अब खबर 12 से है। नगर परिषद 12 में बीते वोट के कार्यकाल में ठग नटवर लाल की तर्ज पर ठगी का खेल दिन पे दिन खुलते जा रहा है। इसी संबंध में जहां 16 जून को चार अलग अलग और शनिवार को थाना कोतवाली में पूर्व सभापति कमल राठौर व तेजस सुमन के खिलाफ फर्जीवाड़े का एक और प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना कोतवाली में परिवादी सतीश अजमेरा द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण में सामने आया कि पूर्व सभापति कमल राठौर द्वारा उनके भाई सम्मान मित्र तेजस सुमन, अरुण पोरवाल, जितेश चंदेल आदि द्वारा एक गिरोह की तरह निकाय क्षेत्र स्थित बेशकीमती ट्रक यूनियन की भूमि में फर्जी का मामला सामने आया है और रजिस्ट्री करवा कर नगर परिषद में राजस्व राशि जमा कराए का अवैध तरीके से साठ गांठ कर गवाह जितेश चंदेल एवं तेजस सुमन की उपस्थिति में अरुण पोरवाल के नाम करवा दी गई है। वहीं दूसरी प्रकरण में परिवादी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली में 18 जून को दर्ज कराए गए प्रकरण में सामने आया है कि पूर्व सभापति कमल राठौर और तेजस सुमन ने उनके परिवारजनों द्वारा भूमि का बेचान नहीं किए जाने के बावजूद उनके हिस्से की खसरा नंबर 163, 164 और 167 की भूमि में अवैध रूप से प्लांट काट कर बेचान कर दिया गया है।